हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी मेरा देखिए काजू वाला बर्फी है, तो आइए आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ आधा कटोरी सूजी, इसको मैं गोल्डन करके फ्राई कर लूँगी। इसमें मैंने ना घी डाला ना तेल डाला, इसको ऐसे सूखा फ्राई कर लेना है हमें। ये देखिए हल्का गोल्डन हो गया है, इसको मैं उतार के अलग रख रही हूँ। अब यहाँ मैंने लिया है 2 कटोरी दूध। और इसमें हम मिलाएंगे 1 चम्मच घी। घी को हम मिला लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कटोरी चीनी। चीनी डाल के इसको ऐसे चलाते रहेंगे जब तक हमारा चीनी इसमें पिघल ना जाए। चीनी हमारा देखिए पिघल गया है। अब इसमें मैं डाल दूँ जो मैंने सूजी भून के रखा था ना, उस सूजी को इसमें डाल देंगे। इसको हम ऐसे लगातार चलाते रहेंगे। अब मैं इसमें डाल दूँ 1/2 कटोरी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर को हमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और ऐसे हिलाते रहना है। इसको एक बार में पूरा नहीं डालना है। आज हमें शुरू से ही लो फ्लेम में रख के इसको चलाते रहना है। अब देखिए इसको ऐसे हम चलाते रहेंगे, ये धीरे धीरे सूखता रहेगा। अब देखिए ये सूख गया, अब ये धीरे धीरे कढ़ाई से छूटने लगेगा। ये देखिए ये हमारा बन के अब तैयार हो गया है। ये अभी इकट्ठा होने लगा है एक जगह। अब इसको हम इकट्ठा करके इसको हम उतार लेंगे। इसको मैं अभी एक प्लेट में उतार रही हूँ। अब इसको पूरे प्लेट में ऐसे फैला देना है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने देंगे। ये देखिए मैं 5 मिनट बाद इसको फ्रिज से निकाल के लाई हूँ। अब इसको बर्फी के शेप में इसको कट कर लेंगे। ये देखिए हमारा बर्फी की तरह एक कट हो गया। अब एक एक बर्फी के ऊपर हम एक एक काजू को चिपका देंगे। ये देखिए बर्फी एकदम सुंदर सा सज गया है। अब इसको एक एक करके निकाल के हम इसको सजा लेंगे। अब ये हमारा देखिए बर्फी बनके तैयार है। ये देखिए इतना सुंदर काजू वाला बर्फी अब बनके तैयार हो गया है।